मेरी वाली अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। तुझे पता है इस दुनिया के हर चूतिये को लगता है कि उसकी वाली अलग है, और तेरे मुंह से ये अलग है सुन के मुझे यकीन हो गया कि एल लगने वाली। दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है सोनू की ट्वीटू की स्वीटी। ये मूवी मैं रात को ही सिनेमा में देखकर आया हूँ। इसमें जो कैरेक्टर लिए गए हैं वो तमाम के तमाम पुरानी फिल्म में एक आई थी प्यार का पंचनामा पार्ट वन और पार्ट टू, उसी के कैरेक्टर जो हैं वो इस मूवी में हैं और डायरेक्टर भी वही सेम है। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और रात को मूवी को देखने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि इस मूवी में इस तरह से इसको बनाया गया है कि एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा कि मुझे ये फील हुआ हो कि मेरे पैसे जो हैं वो जाया गए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मूवी जरूर देखें। इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी जो है वो टोटली घूमती है तीन कैरेक्टर के ऊपर, सोनू और टीटू और स्वीटी के बारे में। अब है इस मूवी में है क्या कि सोनू और ट्वीटू जो बेस्ट फ्रेंड हैं उनमें से ट्वीटू ये डिसाइड करता है कि वो शादी करना चाहता है स्वीटी के साथ, और सोनू को ये डाउट है कि जो स्वीटी है उसका वो कैरेक्टर लेस है, और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि टीटू स्वीटी के साथ शादी ना करे। रिबाउंड एक हफ्ते बाद गुस्से में सेक्स करके उधर चूतिया, छह महीने बाद दुख में शादी करके नहीं। भाई मैं सेक्स के लिए शादी नहीं कर रहा हूँ। तो कर ही क्यों रहा है, चूतिया हो गया। और पूरी स्टोरी इसी के तरीके घूमती रहती है। आप शुरू से ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन कॉमेडी जो होती है वो ऐसे होती है कि अचानक से आपको सरप्राइज मिले, आप जो सोच रहे हैं उससे बिल्कुल हट कर हो। और इसमें इसी तरह है कि हम सोच कुछ और रहे होते हैं कि ये होने वाला है और हटकर उससे कुछ हो जाता है। सो इसलिए इसकी कॉमेडी जो है वो बहुत मज़ेदार है। इंडियन जो मूवीज़ हैं उनकी काफ़ी पुरानी जो मूवीज़ जो आ रही थी उनमें कॉमेडी जो थी वही फटी पुरानी जो हम SMS करते हैं वही कॉमेडी आ रही थी, लेकिन ये बिल्कुल हटकर है, अलग तरह की कॉमेडी है इसमें और मज़ेदार किस्म की है। मैं सब दोस्तों को रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर मूवी देखने के लिए जाएँ। और इसमें जो ख़ास चीज़ है, जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो कभी भी ब्रेक नहीं होता, वो हमेशा बना रहता है इसमें। और जितने करेक्टर हैं उनका वो उन्होंने एक्ट जो किया है वो बहुत स्ट्रांग है और मज़ेदार है। तो सभी को मैं इसके बारे में कहूँगा कि सभी जाएं, और अभी तक ये पाकिस्तान के सिनेमा में चल रही है मूवी और बहुत ज़बरदस्त मूवी है। कॉमेडी अगर जिसको पसंद है वो इस मूवी को ज़रूर लाइक करेगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो मैं इस मूवी को 7 में से 6 स्टार देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं 7 में से इसको 6 स्टार दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैसे हलाल हुए भाई, मुझे बहुत मज़ा आया। लास्ट में आज मैं कोई सवाल तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं पुराने जो दो वीडियोस मैंने बनाई थी उनके जितने भी आंस जो लोगों ने ठीक दिए उनको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इस वीडियो के नीचे लिंक में दे दिया है। आप उस ईमेल एड्रेस पर मुझे अपना एड्रेस जो है वो मुझे अपना सेंड कीजिए और मैं आपको आपके गिफ्ट जो है वो भेज रहा हूँ। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं आप पसंद करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब व्यूवर से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया। ये ना टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन है। बच्चों के NGO में काम करती है, सबसे प्यार से बात करती है, टिफिन भेजती है, हर करेक्ट चीज़ करती है। इतना परफेक्ट कोई नहीं हो सकता यार, कुछ तो गड़बड़ है। मैं क्या शक्ल से झूठी लगती हूँ? हाँ मैंने बताया इसको, तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि एक्चुअली में इतनी अच्छी है। अब अगर भाई इतना मुश्किल नाम रखेंगे तो मतलब कोई भी बंदा हो तो वो इसी तरह ही बोलेगा ना। अब पूरी वीडियो बनने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया, मैं पूरी वीडियो में कुछ और ही बोलता रहूँ टीटू को, तो असल लफ्ज़ है टीटू। तो ये मैंने करेक्ट करना था, मैंने अब वीडियो बन चुकी है कुछ हो तो सकता नहीं, लेकिन चलो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ टीटू नाम है असल।